भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में कोरोना काल ने क्या कुछ बदल कर नहीं रख दिया, और इसका असर भारत में आने वाले गणतंत्र दिवस पर भी पड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मेहमान के तौर पर गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ानी थी, लेकिन ब्रिटेन में जिस तरीके से कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया और वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया, उसकी वजह से वो भारत में शरीक नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद भी भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित नहीं करेगा। भारत एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है जो हम पहली बार देखेंगे। जी हाँ, भारत में पहली बार महिला फाइटर पायलट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कांत राजपथ के ऊपर फ्लाई पास्ट करेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकी में 42 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिसमें से कि 2 रफाल विमान हैं। आपको बता दें कि इन्हीं में से 1 फाइटर प्लेन में भावना कांत भी शामिल होंगी। हालांकि वो पहली फाइटर पायलट तो नहीं है, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के बाद उनका नंबर है, लेकिन गणतंत्र दिवस की झांकी में शामिल होने वाली वो पहली महिला फाइटर पायलट हैं। आपको बता दें कि 2018 में भावना कांत एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में तैनात हुई थी। उसके बाद 2019 में ही उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का पहला चरण पूरा भी कर लिया था और 2020 में उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए पास कर दिया गया था। और अब 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हैं। लेकिन भावना कांत कौन है, कहां से आई हैं और किस तरीके से वो हजारों लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो गई हैं, आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन 28 साल की भावना कांत कौन है? दरअसल भावना मूल रूप से बिहार के दरभंगा से हैं। उनके पिता इंजीनियर थे और देश के अलग अलग कोनों में उनका ट्रांसफर भी होता रहता था, और यही वजह है कि वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी रही हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई हालांकि अलग अलग जगहों पर हुई है, और उन्हीं में से एक बरौनी में भी उनकी 10th और 12th की पढ़ाई हुई है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वो बेंगलुरु चली गई। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में फ्लाइंग ऑफिसर बनने का और खास तौर पर फाइटर प्लेन्स उड़ाने का सपना मजबूत होता रहा, और यही वजह है कि उन्होंने आगे चलकर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया, जिसमें वो फ्लाइंग कलर्स में पास हो गई, और आगे चलकर उन्होंने अपना सपना फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में पूरा भी किया। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भावना कांत को नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। लेकिन इतना बड़ा मौका मिलने के बाद भावना कांत का क्या कहना है, आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल भावना ने कहा कि वो बचपन से ही टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखती आई हैं, और अब इसमें उन्हें शामिल होने का मौका मिल रहा है, जो उनके लिए गर्व का पल है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रफाल और सुखोई के साथ दूसरे लड़ाकू विमान भी उड़ाना पसंद करूंगी। मैं अभी MiG-21 बाइसन उड़ाती हूं और मैं सभी तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहती हूं। तो वाकई में भावना कांत ने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो लाखों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकता है।